Hello everyone, welcome to my channel. This is Arnav and today I came up with another new topic. Topic is how to not misunderstand. हम कैसे गलत ना समझे. ओके, गलत फहमियाँ बहुत सारे रिलेशनशिप्स पे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो जाती हैं. तो आज हम बात करेंगे किन चीज़ों पर हम फोकस करें या फिर ध्यान रखें दैट मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर ना हो. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को जिन पॉइंट को हमें याद रखनी है और सही ढंग से हमें फॉलो करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो पॉइंट नंबर वन इज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने. हम सब ज़्यादातर क्या होता है, रिलेशनशिप्स हो या फ्रेंड्स के साथ हो, हम ज़्यादातर बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हम सुनते कम हैं. सो पॉइंट नंबर वन इज वी हैव टू लिसन केयरफुली, ध्यान लगाकर सुननी है. पॉइंट नंबर टू इज मत मानो, डोंट एज्यूम. एज्यूमशन ऑलवेज हर्ट, धारणाएं हमेशा चोट पहुंचाती हैं. पॉइंट नंबर थ्री, उन्हें अपनी बातें स्पष्ट करने दें. लेट देम क्लियर देयर पॉइंट फर्स्ट. पॉइंट नंबर फोर, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस फॉर ए व्हाइल. थोड़ी देर के लिए अपने भावनाओं को नियंत्रण रखें. पॉइंट नंबर फाइव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ कर बोलिए. क्योंकि क्या होता है, हमारा जो वर्ड्स है ना, ये तलवार की तरह होती है. पॉइंट नंबर सिक्स इज जल्दबाजी में कुछ नहीं करनी है. अगर हम लोग जल्दबाजी में कुछ कह देंगे या फिर कुछ कर देंगे तो बाद में क्या होगा, हमें पछताना पड़ेगा. तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है. डोंट एक्ट टू फर्स्ट दैट यू रिग्रेट आफ्टरवर्ड. बी काम. पॉइंट नंबर सेवन, शांत रहे. क्योंकि गुस्से में करे किसी भी कार्य या फिर किसी भी वर्ड्स, किसी भी शब्द को अगर हम गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो खराब होगा, खराब ही होगा. बिकॉज एंगर किल्स एवरीथिंग. एंड पॉइंट नंबर एट, किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा वक्त ज़रूर लें. बिफोर कमिंग टू एनी डिसीजन हैव सम स्पेस फॉर ए व्हाइल. ओके, सो दोस आर द 8 पॉइंट्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ दैट जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम नाखून काटते हैं, उंगलियाँ नहीं. उसी प्रकार रिलेशनशिप्स पे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है तो हमें हमारा अहंकार को काटना पड़ेगा, ना कि हमें रिलेशनशिप्स को काटना पड़ेगा. हमें रिलेशनशिप्स को बचाना है और अपने अहंकार को काट के फेंक देना है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.